इंडिया की हॉट सेलिंग हैच है मारुति स्विफ्ट और कंपनी इसका फेसलिफ्ट मॉडल को बहुत ही जल्द इंडिया में लॉन्च भी करेगी। और इस अपकमिंग स्विफ्ट फेसलिफ्ट में मिलने वाले 42 फीचर्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आ रहा लिंक को क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। इंजन पेक्स की बात करें तो इस अपकमिंग स्विफ्ट फेसलिफ्ट में होगा बलेनो सोर्स 1.2 लीटर ड्यूल जेट इंजन, जो करेंट इंजन के मुकाबले 7 HP ज्यादा पावर और एक जैसा ही 113 Nm का टॉर्क पैदा करता है। लेकिन गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको स्विफ्ट के एक और अपडेट के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि है बहुत ही बड़ी अपडेट, और वो है नेक्स्ट जेन स्विफ्ट। फिलहाल इंडिया में इसका थर्ड जेनरेशन चल रहा है, लेकिन कंपनी इसके नए जेनरेशन को डेवलप करने में लगी हुई है, जिसको कंपनी वर्ल्ड वाइड 2022 में लॉन्च करेगी। लेकिन इंडिया में फोर्थ जेन मारुति सुजुकी स्विफ्ट को 2023 में लॉन्च किया जाएगा, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च होने के एक साल बाद इसका नया जेनरेशन इंडिया में लॉन्च होगा। क्योंकि ये एक नया जेनरेशन है, इसीलिए इसके लुक को बदल दिया जाएगा। फिलहाल कंपनी ने इस मॉडल की कोई भी पिक्चर्स शेयर नहीं किया है, इसीलिए मैं आपको सिर्फ इंटरनेट में अवेलेबल पिक्चर्स ही इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। इंजन पेक्स की बात करें तो अपकमिंग स्विफ्ट फेसलिफ्ट में इस्तेमाल हुई 1.2 लीटर 4 सिलेंडर ड्यूल जेट इंजन का ही इस्तेमाल होगा इस नेक्स्ट जेन स्विफ्ट में। इसके अलावा इसका एक हाइब्रिड ऑप्शन भी होगा, जो कि है 1.2 लीटर 48V माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम। करंट मॉडल में 5 स्पीड एमटी के साथ साथ 5 स्पीड एएमटी का भी इस्तेमाल हुआ है, लेकिन अपकमिंग नेक्स्ट जेन स्विफ्ट में 5 स्पीड मैनुअल के साथ साथ 6 स्पीड सीवीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी आ सकता है, जिसको इंटरनेशनल मॉडल में दिया जाएगा। इस समय ट्रेंडिंग में चल रही कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी इस अपकमिंग नेक्स्ट जेन स्विफ्ट में होगा। फिलहाल ये एक न्यूज है जो मारुति सुजुकी की तरफ से आ रही है, इसीलिए मैं आपको प्राइस और दूसरे फीचर्स के बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि कंपनी ने इसके अलावा और कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन अगर आपको यह छोटी सी अपडेट वाली वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना विद ऑल नोटिफिकेशन। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक और आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।